नमस्कार दोस्तों, मैं विकी, आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज अनुराग 10, कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस होगा, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सी चीज हो सकती है, इन सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं बात करने वाला हूं अनुराग 10 को आज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और चला के दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे चीजें काम करेगी। यार अनुराग एकेडमी वालों ने हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी स्ट्राइक डाला हुआ था, मुझे लगता है कि ये चीज मुझे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यार मैं एक तो उनके सॉफ्टवेयर का प्रमोशन कर रहा हूं, दूसरी चीज यहां पर वो लोग स्ट्राइक देते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैंने इतने 3-4 सालों से इस चैनल को वहां तक लेके आया है जहां तक आप पहुंच पाए और इस ग्रोथ पे लेके आए, उसके बाद पे लोग कॉपीराइट देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके सॉफ्टवेयर का प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, भाई हो, तो सारी YouTube फैमिली के लिए आपके लिए यह चीज बनती है कि कॉपीराइट चाहे तो आ जाए, लेकिन मुझे यह चीज गाइड करनी चाहिए कि कैसे चलाना है। अभी मैं बात करता हूं, अनुराग वालों ने सॉफ्टवेयर बेचा जरूर है लेकिन उसको चलाने का तरीका बताया है, पर हर इंसान को चीजें नहीं समझ में आती है उनकी भाषा से। मैं उस चीज को अपनी भाषा में, हर उस चीज को बेसिक वे में समझा के आपको सॉफ्टवेयर सिखाता हूं कि यह चीज कैसे काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इनको मेरे से प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, मुझे ईमेल करो vikivelav@gmail.com पर, तुरंत बात करूंगा, किसी प्रकार की शिकायत होगी तुरंत वीडियो रिमूव कर दूंगा। तो यार कोई भी सवाल जवाब हो उससे पहले जरूर मुझे ईमेल करके बोल दें आप लोग, या इंस्टाग्राम पे आके बता दो कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। यहां पर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले, क्योंकि आर्ट बालाघाट के सब्सक्राइबरों ने बोला है इस चीज को करके दिखाओ, तो बिल्कुल 100% जीनाइन तरीके से इस चीज को हम करेंगे। यहां सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं क्योंकि मैं अनुराग यूज करता हूं, लेकिन समय समय पर यूज करता हूं वो मेरी बात है कि मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे क्या क्या होगा, बाकी अलग अलग चीजें होगी। और यार बता दूं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की पायरेसी ना करें, सॉफ्टवेयर को बाय करो तभी वो चीज काम कर जाएगी और बेहतर तरीके से उसका यूज कर पाओगे। मैंने यहां इंस्टॉल करके सिर्फ नेक्स्ट किया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, सिंगल वे में इंस्टॉल हो जाएगा, और यहां से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करा लूंगा। लेकिन ओपन कराऊंगा तो एक प्रॉब्लम लिखी हुई आएगी कि आप अगर सॉफ्टवेयर ओपन कराते हैं तो आपका फोटोशॉप कोई भी वर्जन का चालू होना चाहिए, यह चीज लिखा गया। यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको देख लेंगे स्क्रीन पर नजर आ रहा था, इस नंबर पर फोन करके आप सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं। यह अनुराग एकेडमी वालों के सॉफ्टवेयर है। यहां पर मैंने ला लिया है इस सॉफ्टवेयर को, फोटोशॉप CS3 को, और यहां पर ये सॉफ्टवेयर आ गया है और अनुराग भी ओपन कर लिया है मैंने। यहां कुछ चीजों को देखूंगा, जैसे मैं यहां पर ले लिया, आंसू का फोटो लिया है मैंने। यहां तरीके बहुत सारे हैं अनुराग को चलाने के। मैंने एक चीज बताया आपको कि सॉफ्टवेयर को हम लर्न कर सकते हैं, उसके तरीके हजारों होंगे, ये हमको समझना होगा। तो ये चीज है, जैसे यहां पर एग्जांपल की लेता हूं मैं आंसू का एक फोटो, और यहां से मैं इसके सबसे पहले फोटो भी चलाऊंगा। यहां देखेंगे लेवल पे आके लेवल 5 दबाऊंगा, देखेंगे ऑटोमेटिक है, सारी चीजें अपने हिसाब से ऑटो डिक्टेट करके ये चीज बता दिया। यहां देखेंगे बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहां पर एक बॉर्डर डालना चाहता हूं तो वो बॉर्डर कैसे डालू, यहां पर मैं नॉर्मल वे में 4:6 का पेपर लूंगा और यहां बॉर्डर डाल के दिखाऊंगा आपको। इसको थोड़ा छोटा कर लू फोटो को, और ध्यान से समझेंगे यार, आपको मैं सॉफ्टवेयर समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, पर हर वो चीज नहीं बता सकता। और किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो आप मुझसे तुरंत बात करो, भाई बैठा है, सारे सवालों के जवाब दे जाएगा। और कोई परेशानी होती किसी को भी यार, तो मुझसे सवाल करे बिना वजह, कॉपीराइट ना दे एनीबॉडी कोई और चीज है। यहां बॉर्डर सेक्शन में जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, यहां पर अलग अलग टाइप के कितने बॉर्डर देखने को मिलेंगे, 25 आपको, और जैसे मुझे चाहिए ये वाला बॉर्डर तो सिंगल क्लिक में 4:6 में क्लिक कर दूंगा और यहां बॉर्डर आ चुका है, और ये इधर पे आके इसको सिंगल वे में सिलेक्ट और यहां से राइट क्लिक कर दूंगा इसको, बस। अब देखेंगे ऑटोमेटिक ये चीज आ गई कि आपको कौन सा वाला कलर का बॉर्डर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए और ओके क्लिक करूंगा। देखेंगे आपको बेसिक तरीके से सॉफ्टवेयर ने प्रीमियम क्वालिटी का बॉर्डर डाल दिया, और यहां पर अलग अलग टाइप के इफेक्ट है, ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट करने से लेके कलरफुल रखने तक, फिल्टर से लेके एनीबॉडी हर चीज को डिफाइन करता है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके हैं यार। मैं इतनी सारी चीजें एक ट्यूटोरियल में नहीं बता सकता, अगर आपको और चीजें समझनी है कमेंट करके तुरंत बताओ, भाई बेटा हर उस चीज को डिफाइन करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर दो, वेबसाइट जाके चेक कर लो, मुझसे बात करना, इंस्टाग्राम पे आओ, थैंक यू, धन्यवाद।